बाड़मेर जिले में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। तेजी से पांव पसार रहे कोरोना के बाद चिकित्सा विभाग भी अलर्ट हो गया है। चिकित्सा विभाग द्वारा शिविर लगाकर सैंपल लिए जा रहे हैं। बालोतरा और बाड़मेर सब्जी मंडी में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद रविवार को कृषि मंडी स्थित होलसेल सब्जी मंडी में जागरूकता शिविर लगाकर सैंपल लेने की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। टीम ने 111 सैंपल लिए। बाड़मेर जिले के बालोतरा में सब्जी विक्रेता के पॉजिटिव पाए जाने के बाद बालोतरा कस्बे में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं बाड़मेर में भी पुरानी सब्जी मंडी में एक सब्जी विक्रेता और उसके मित्र के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिला प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है और जिले भर में सब्जी विक्रेता से जुड़े सभी व्यापारियों को चिन्हित कर उनके रैंडम सैंपलिंग करवाने में जुट गया है। रविवार को स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने कृषि मंडी स्थित होलसेल एवं रिटेल सब्जी मंडी में जागरूकता शिविर का आयोजन किया। शिविर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सब्जी विक्रेताओं के साथ वहां आए ग्राहकों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के साथ साथ ज्यादा भीड़ नहीं करने सहित कोरोना बचाव को लेकर कई जानकारियां दी। साथ ही अधिकारियों ने सर्दी खांसी और बुखार होने पर तुरंत ही चिकित्सालय में चेकअप करवाने की बात कही। चिकित्सा विभाग की टीम ने लोगों को जागरूक करने के बाद सब्जी मंडी के सब्जी विक्रेता समेत फल विक्रेताओं के सैंपल लिए। पुलिस जाब्ते के साथ पहुंची मेडिकल टीमों ने पीपीई किट पहनकर और सावधानी बरतते हुए 111 लोगों के रैंडम सैंपल लिए, जिसे जांच के लिए बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। सांस लेने में दिक्कत होती है, हटा भी दिया, लेकिन जब बोल रहे हो तो वापस लगा लो। बोलते समय आपको मास्क लगाए हुआ होना चाहिए। गौरतलब है कि पुरानी सब्जी मंडी में एक सब्जी विक्रेता और उसके मित्र के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद बाड़मेर जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ी हुई नजर आ रही है और प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए पुरानी सब्जी मंडी को आगामी आदेश तक बंद करवा दिया है। वहीं पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए अन्य सब्जी विक्रेताओं की पड़ताल भी स्वास्थ्य विभाग की टीमें कर रही है। मेडिकल टीम से लैब टेक्नीशियन बिहारी लाल और रेवंत सिंह ने सब्जी विक्रेताओं के सैंपल लिए।